सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर कुमार, स्वागत है आपका मेरे किसान यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज धान में खाद का स्प्रे करेंगे, नैनो यूरिया का और जाइम का, और क्योंकि धान इस समय ब्याज पर है तो इसको अधिकतम ब्याज करने में सहायता मिल जाएगी, बने रहिए वीडियो में। ये खेत है सबसे पिछाया हमारा, मतलब सबसे बाद वाला धान है ये, और इसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। अभी पहले दवाई मिला लेते हैं। इफ्को कंपनी का सागरिका जाइम है, समुद्र के झाग से बनता है। किसान साथियों, लगभग 5 दिन पहले हमने इस खेत में 300 ml क्लोरोसाइपर 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की थी, और आप देख सकते हैं पूरा खेत बिल्कुल स्वस्थ है, तो कोई आवश्यकता नहीं होती आधा लीटर क्लोरोसाइपर डालने की। 300 ml 250 ml से काम चल जाता है, दुकानदारों के बहकावे में ना आए। किसान साथियों, ये इस साल का हमारा सबसे अच्छा धान का खेत है, आप देख सकते हैं इसकी उम्र है लगभग 1.5 महीना, और इसमें भी वही स्प्रे कर रहे हैं जो पीछे खेत में करकाए हैं। गेहूं कटाई के बाद इस खेत में ढैचे की बिजाई कर दी थी और उसको जोतकर धान लगाया है। आप धान के हालात देख रहे हैं, बहुत शानदार धान चल रहा है, ये 26 वेराइटी है, बारीक चावलों का अनाज है। सच बताऊं तो इस धान में पलादने की समस्या हो सकती है, पलादना कहते हैं, लान बड़ा हो जाता है और फल उस पर आता नहीं है, भावना ऐसी लग रही है, तो लागत तो अब बंदी हो जाएगी इसकी। इस खेत में घास है नहीं, लेकिन फिर भी घास का स्प्रे करना पड़ेगा जिससे घास थोड़ा सा झटका ले जाए, उस स्थिति में लंबाई रुक जाती है, ब्याज की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, ये धान की पौध वाली क्यारी है, बराबर वाले धान से 1 महीना पीछे लगी है, और इसमें धान कुछ हल्का है तो इसमें हाथ रोक कर स्प्रे करेंगे इसी टॉनिक का। ये तो बंदा खड़ा हो गया, एक एक जगह रुक रुक कर अच्छे से स्प्रे कर रहा है जिससे ये बराबर हो जाए। तीसरा खेत है, सेम घोल है, कुछ घटा बढ़ा नहीं रहे किसी भी खेत में, क्योंकि ये तो सामान्य खाद है, उन दोनों खेतों के बीच का लगा हुआ है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो ये स्प्रे का काम भी निमट गया, ये दूसरा स्प्रे था धान में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।